લિંબાયતના કુબેરનગર ખાતે રહેતા દિનેશ રામ બહાદુર યાદવના ઘરે બે મહિલાઓએ દાગીના ની પૂજા કરવાના બહાને સોનાની બુટ્ટી આંચકી લીધી હતી જેને લઈને ભોગ બનનાર દિનેશભાઈ ના પત્નીએ લિંબાયત પોલીસ મથકમાં ફરિયાદ નોંધાવી હતી લિંબાયત આસપાસના ત્રણ રસ્તા પાસે કુબેર માં દિનેશ રામ બહાદુર સાથે રહે છે તેઓને ત્યાં બે અજાણી મહિલા આવી પહોંચી હતી અને પૂજા કરી આપવા તમામ સારું થઈ જશે જેથી દિનેશભાઈ ની પત્ની ઉર્મિલા બેન ઘર ના પૂજા માટે આપ્યા હતા તે વેળાએ પરિવારજોની નજર ચૂકવી બંને ઠગ મહિલા પચીસ ની કાન ની બુટ્ટી ની ચોરી કરી પલાયન થઈ ગઈ હતી જેને લઈ પત્ની ઉર્મિલા બેન ને લિંબાયત પોલીસ મથક માં ફરિયાદ આપી હતી कहाँ रहा उर्मिला यादव उर्मिला कौन सी जगह रहने का क्या घटना हुई साथ? कुबेर नगर दो सौ बीस हमारे साथ दो लेडीज आई थी बच्चों का ऐसा मन्नत मांग के हमारे पास से ग्यारह रुपया ली फिर हमारे माथा पे कुछ रख, ऐसा हाथ रख के बोली कि आपको ऐसा कुछ तुम्हारे घर में भूत प्रेत का बास है तो आप हमको सोना दीजिए और कुछ पैसे दीजिए तो हम तुम्हारे घर का सुख शांति कर देंगे पूजा पाठ करके फिर आपने क्या दिया हमने एक सोने का ऐसा सोई डोरा दिए थे और ऐसा दो तीन हज़ार रुपया दिए फिर उसने हमको बोला कि ठीक है मैं चार बजे तक लेके आऊँगी बहुत कसम खाई थी लेकिन आपस नहीं आई फिर मेरे को मना करके गई कि ऐसा मैं बाद में तुम किसी के बोलना मत जब तक मैं नहीं आके दे दूँ जब आके दे दूँगी तभी बताना नहीं तुम्हारी कन्या लड़की है सब तुम्हारे लड़की के ऊपर बुरा छाया पड़ेगा फिर मैंने नहीं ऐसा उन लोग को बताई चार बज गया फिर मैं पाँच बजे अपने बच्चों को भी बता दिया अपने घर वाले को भी बता दिया तो वो लो लोग ने मुझे बहुत डांटा बहुत बोला ऐसा तो बहुत घर में ऐसा हमारे झगड़ा हो गया साथ में आप दूसरे को क्या मैसेज देना चाहते हैं इसके बाद दूसरों के क्या साहब कुछ नहीं ऐसा वो हमारे साथ हुआ था हुआ लेकिन दूसरों के साथ में ऐसा नहीं होना चाहिए वो ऐसा हमारा ऐसा कहना है कि जैसे हम भले ऐसा गए उनके बाद में आ गए लेकिन दूसरा कोई ऐसा अभी कभी भूल नहीं करने का कैमरामैन मुकेश मैन मुकेश बिजल पटेल दिव्यांग न्यूज सूरत